अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं होममेड शैम्पू। इसके लिए हमको चाहिए 100 ml वाटर। यहाँ पर मिनरल यूज़ करा है हमने। 6 टीस्पून हमें चाहिए शैम्पू बेस, ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगी। इसके साथ हमको चाहिए 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, 1 टेबल स्पून ग्लीसरीन। इसके साथ हमारे पास ये एसेंशियल ऑयल है लेवेंडर का, 10 ड्रॉप्स डालने हैं। आप चाहें तो डालें वरना ये ऑप्शनल है। और ये दो हमारे पास विटामिन ई कैप्सूल्स हैं। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये पानी में सबसे पहले 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। ये हमने एलोवेरा जेल डाला और ये बहुत माइल्ड शैम्पू है, या आप डेली बेसिस पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो या डैंड्रफ का इशू हो, मैं 3 महीने से यही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये रेमेडी। ये देखें, ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, ये आपका 1-2 मिनट में आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। ये देखें, हमने डाल दिया ये इसमें। सबसे पहले एलोवेरा जेल डाला, अब हम इसमें शैम्पू बेस डाल रहे हैं। ये इसके अंदर हमने शैम्पू बेस डाला, ये थोड़ा स्टिकी सा होता है और इसको डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। एटलीस्ट आपको 7 to 8 मिनट्स लगेंगे। और आपको आराम से हल्के हाथ से इसको मिक्सअप करना है, व्हिस्क करना है। ये देखें, हम इसको व्हिस्क कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा शैम्पू है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। जो ट्राई करेगा उसी को पता चलेगा ये कैसा शैम्पू बना है। और इसको अच्छे से आपने व्हिस्क करना है। और ये अभी तो बिल्कुल स्टिकी हो गया ना, ये आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होता जाएगा और ये डिसॉल्व होके थोड़ा सा चंकी सा हो जाएगा। चंकी पे भी आप थोड़ा सा व्हिस्क करते रहेंगे तो ये बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, आप इसको व्हिस्क करते रहें। किसी को भी डेंड्रफ का इशू है या कोई प्रॉब्लम हेयर फॉल है, मेरे को तो हेयर फॉल का थोड़ा सा इशू था जब ही मैंने ना ये शैम्पू ट्राई करा घर पे बना के। अब ये देखें, हम थोड़ी टाइम बाद देखते हैं। ये देखें, अभी ये थोड़ा चंकी सा हो गया है, इसमें छोटे 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 से पार्ट्स रहते हैं। अभी हमें 5 मिनट हो गए हैं एटलीस्ट इसको मिक्सअप करते हुए, और थोड़ा टाइम और मिक्स करेंगे। ये देखें, हमारा डन हो गया। अब हम इसमें ग्लिसरीन, 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन ऐड कर रहे हैं, और इसके साथ हम इसमें विटामिन ई कैप्सूल डाल रहे हैं। इसको हमने पंचर करा और 2 कैप्सूल्स हम लोगों को इसमें ऐड करने हैं। ये हमने एक ऐड करा एंड देन ये सेकंड। ये 2 कैप्सूल्स हमने विटामिन ई के इसमें डाल दिए। इसको मिक्सअप करा और हमारे पास अब रह गया एसेंशियल ऑयल। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और नहीं डालें तो कोई भी इशू नहीं है। ये देखें, ये हमने 10 ड्रॉप्स डाले। वैसे लेवेंडर बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर 10 ड्रॉप्स डाल रहे हैं यहाँ पर। ये देखें, ये हमारे पास लेवेंडर है, ये मैंने फरजाना से लिया था, बहुत अच्छा है इनका भी। ये देखें, ये आपका शैम्पू आपने मिक्स करा और इसको आप 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे, रेस्ट देंगे, तो इसमें ये जो ऊपर झाग आया हुआ है ये बैठ जाएगा। देन आप अपने किसी भी एम्प्टी कंटेनर में इस शैम्पू को भर लीजिए। ये आपका एटलीस्ट 15, लड़कियां हैं तो लॉन्ग हेयर होते हैं तो 15-20 डेज आपका आराम से चलेगा, और लड़कों के तो चलेगा ज़्यादा टाइम, बाल ही कितने होते हैं सर पे। और जो लड़के डेली बेसिस पे जैसे बाहर घूमते हैं, डस्टी हो जाते हैं बाल, शैम्पू करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड शैम्पू है। ये देखिए, हमारा शैम्पू बिल्कुल डन है। आपको मेरी रेमेडीज़, रेसिपीज़ जो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।